हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आपका ट्रेन चार्ट जिस दिन है उससे दस दिन पहले ही नहीं बल्कि दस दिन पहले एक महीना पहले अगर आपने तीन महीना पहले टिकट बुकिंग करवा लिया है तो तीन महीना पहले आप अभी के अभी ट्रेन चार्ट चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रेन का चार्ट कब बनेगा और किस स्टेशन से बनेगा दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल आप दो मिनट के अंदर में पता कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में मैंने यह सिर्फ बताया तो था कि किस ट्रेन का चार्ट कब कब बनता है लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया था बल्कि दोस्तों आज मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव भी करके बताने वाला हूँ कि आपका ट्रेन का चार्ट कब बनेगा तो आपको उस दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कितना टाइम में कितना टाइम में बनेगा आपको सब कुछ पहले से ही पता रहेगा कि अच्छा मेरा ट्रेन इस दिन को है तो इस टाइमिंग में इतना बजे बन जाएगा और उस दिन आप करके चेक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उससे बहुत पहले आप अभी सौ परसेंट पता लगा सकते हैं कि मेरा ट्रेन इस इस स्टेशन स्टेशन से से मैं बुक किया हूं, तो इस से मेरे को मेरा ट्रेन चार्ट बनने बनने वाला वाला है इतना वाला है इतना बजे और उसके बाद क्या स्थिति होती है ट्रेन चार्ट बनने के बाद मतलब कि कैसा रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली सब चीज करके बताने वाला हूँ सो दोस्तों अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैं सबसे पहले लाइक के लिए बटन दबाने के लिए बोल रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तों करना क्या है सिंपल कुछ नहीं करना है आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर में, आई आर सी को खोलना है और दोस्तों करने के बाद यूजर लिखा हुआ है वैकेंसी।, दोस्तों, वैकेंसी के दोस्तों वैकेंसी के बाद दोस्तों, दोस्तों ट्रेन नेम या फिर नंबर पूछा जाएगा मैं कहता हूँ दोस्तों अगर आपने ट्रेन टिकट बुक तो कर ही लिया होगा तो ट्रेन नंबर जो है वो ट्रेन नंबर डाल दीजिएगा यहां पर दोस्तों सबसे पहले ट्रेन नंबर डालना है और दूसरा दोस्तों यहां पर जर्नी डेट मतलब कि जिस दिन का आपका जर्नी डेट है, उस दिन का डालिएगा क्या उस दिन का डालिएगा तब तो बताएगा ही नहीं ट्रेन का चार्ट चूंकि तीन महीना पहले बनेगा तो नहीं लेकिन तीन, मतलब कि कि आप पता भी कर सकते हैं आखिरकार कहां से बनेगा कब बनेगा मतलब सारा डिटेल आप अभी पता कर सकते हैं जो कि बनेगा तो उस टाइम ही चार घंटा पहले जैसे कि मैंने बताया है इस वीडियो में लेकिन यहां पर आप आज ही पता कर सकते हैं भाई साहब कि आपका ट्रेन का चार्ट किस स्टेशन से बनेगा क्या बनेगा नहीं बनेगा मतलब कि पूरा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो जर्नी डेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जर्नी डेट मुझे सिलेक्ट क्या करना है तो मैं आपको आगे बताता हूं जब मैं करके बताऊंगा आपको आपको कि डेट आपको क्या करना है और तीसरा पर आपको डालना है बोर्डिंग स्टेशन मतलब कि जिस स्टेशन से आप उस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं चढ़ के ट्रैवल करने वाले हैं वो होता है बोर्डिंग स्टेशन काफी सारे लोग ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं कहीं और से और उनका बोर्डिंग होता है कहीं और पे तो आपको क्या यहां पे डालना है जिस स्टेशन से आप ट्रैवल करने वाले हैं चढ़ करके उसको कहते हैं हम लोग बोरिंग ए, बोरिंग ए स्टेशन तो आपको तीन चीज़ें ही डाल करके पता कर सकते हैं तो चलिए मैं एक ट्रेन का डेमो यहाँ पर चेक करके बताता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पटना से न्यू दिल्ली जाने वाली एक मगध एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेन नंबर बीस आठ सौ एक है और यह दोस्तों इस्लामपुर से होकर के न्यू दिल्ली तक जाती है लेकिन दोस्तों मान के चलिए कि मैं चेक करना चाहता हूँ आरा स्टेशन से चूंकि आरा स्टेशन पे रुकेगी और आरा स्टेशन से अगर किन्हों को जाना है तो आरा स्टेशन से वो टिकट बुकिंग करवाए होंगे मतलब कि आरा स्टेशन से अगर आपका बोरिंग स्टेशन है तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आरा स्टेशन से आखिरकार इसका ट्रेन का चार्ट कब बनता है और किस टाइमिंग में बनता है तो यहाँ पर दोस्तों चेक करने के लिए चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेन नंबर डालना है तो दोस्तों ट्रेन नंबर चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बीस आठ सौ एक ट्रेन नंबर डाल दिया हूँ दोस्तों जैसे ही आप ट्रेन नंबर डालिएगा तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेन का नाम भी आ जाएगा मतलब कि मगध एक्सप्रेस उसके बाद दोस्तों जर्नी डेट डालना है दोस्तों आज है पंद्रह फरवरी और दोस्तों यह ट्रेन जो है इस्लामपुर से न्यू दिल्ली के लिए पर डे खुलती है पर डे पर डे मतलब की चलती है ट्रेन तब दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है पर डे ट्रेन हो काफ़ी सारे लोगों का सप्ताह में दो दिन हो तीन दिन हो या फिर काफ़ी सारे लोगों को वीकली ट्रेन हो तब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जर्नी डेट सबसे बड़ा पॉइंट है कि जर्नी डेट क्या सिलेक्ट करें तब आज है पंद्रह तारीख तब दोस्तों जैसे ही आप जर्नी डेट पर सिलेक्ट करिएगा तब दोस्तों आपको एक दिन पहले का पता करना है ट्रेन एक दिन पहले चूंकि यह ट्रेन मगर कल भी चली होगी तो कल भी मेरे को कल से ही मैं कल ही देख लेता हूँ कल की ही स्थिति इसका देख लेता हूँ ताकि मेरे को पता सब कुछ चल जाए तो जर्नी डेट में आपको क्या सेलेक्ट करना है चौदह फरवरी चौदह फरवरी दो मैंने कल का हम देखना चाहते हैं तो चौदह फरवरी दो जैसे ही डालिएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर बोर्डिंग स्टेशन डालिएगा बोर्डिंग स्टेशन का मतलब आरा आरा यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ आरा स्टेशन मैंने डाल दिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा तब दोस्तों आपके सामने सारा डिटेल्स आ जाएगा दोस्तों डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देख लीजिए ट्रेन नंबर मिला लीजिए बीस वही ट्रेन नंबर है उसका दोस्तों जर्नी डेट चौदह फरवरी दो जर्नी डेट है उसके बाद दोस्तों तीसरा यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन बोर्डिंग स्टेशन कहाँ से आरा से मैंने चेक करना चाहता हूँ चूंकि आरा स्टेशन से ही अगर कोई जाएगा तो आरा स्टेशन से चेक करना है उसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चार्टिंग स्टेशन पटना जंक्शन तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जहाँ बोर्डिंग स्टेशन होता है वहीं से ट्रेन चार्ट बनता है तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरा से आपने आपका आरा बोर्डिंग स्टेशन है बल्कि ट्रेन चार्ट आरा स्टेशन से पहले ही बन चुका है पटना जंक्शन स्टेशन पर ही तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्टेशन से आप चढ़ना चाहते हैं जिस स्टेशन से आपका बोर्डिंग स्टेशन है उसी स्टेशन से ट्रेन चार्ट बने ट्रेन चार्ट हर स्टेशन से दोस्तों नहीं बनता है मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ ट्रेन ट्रेन चार्ट हर एक स्टेशन पर नहीं बनता है बल्कि दोस्तों पहले से ही फिक्स रहता है कि किस किस स्टेशन पर ट्रेन चार्ट बनना होता है उसी स्टेशन से बनेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली बात है कि भले ही यह ट्रेन आरा स्टेशन से बुक किया गया है लेकिन इसका ट्रेन का चार्ट जो है पटना जंक्शन पे बनेगा मतलब आरा से पहले ही पटना है तो वहां पर बनेगा ना कि आरा पे बनेगा तो दोस्तों आप लोगों को यह बात क्लियर हो गया होगा अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट चार्ट क्रिएशन कब बना है चौदह फरवरी को ही बना है और यह बना है एक बज करके तीस मिनट मतलब दोपहर के टाइम में बना हुआ है तब दोस्तों एक दिन पहले जब यह स्थिति था तो आपने इस ट्रेन में कहीं भी दो महीना पहले भी टिकट बुकिंग किया होगा तब दोस्तों इससे आपको यह आइडिया लग गया होगा कि आपका ट्रेन का चार्ट अब कब बनेगा मान के चलिए मैं इसी ट्रेन में टिकट बुकिंग किए हुआ रहता दो महीना बाद का और मुझे जानना था कि यार ट्रेन का चार्ट किस स्टेशन से बनेगा किस टाइमिंग में बनेगा तब तो मैं मेरे को उस दिन तक इंतजार करना पड़ता जिस डेट को आता तो मैं चेक करता लेकिन आप आज कैसे पता कर सकते हैं भाई साहब आज ऐसे पता कर सकते हैं कि वो ट्रेन तो अगर पर खुल है तो एक दिन पहले वाला यानी कि कल के ही डेट में आप सारा कुछ चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस दिन को ट्रेन यहां से बनेगी बनेगी चार्ट और इस टाइमिंग में बनेगी जैसे कि मैंने आप सभी को चेक करके बताया तो दोस्तों अगर आपने भी ट्रेन टिकट बुकिंग कर लिया है तो आपको क्या करना है कि एक दिन पहले अगर आपका ट्रेन पर डे है तो एक दिन पहले चेक कर लीजिए और अगर आपका ट्रेन वीकली है तो उस डेट आने दीजिए डेट को एक दिन के बाद जैसे ही बीत जाएगा तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा एक दिन पहले वाला डेट उसके बाद आप सर्च करके आप अपना सारा जानकारी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मैं कहाँ से बोरिंग स्टेशन रंग वहीं से चार्ट बनेगा क्या तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा कि आपने कहाँ से टिकट बुकिंग किया है और आपका ट्रेन चार्ट कहाँ किस स्टेशन से बनेगा और कितने टाइमिंग में बनेगा सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस प्रक्रिया से आप लोग जान सकते हैं दस दिन पहले एक महीना पहले दो महीना पहले आप लोग जान सकते हैं कभी भी जान सकते हैं कि आपका ट्रेन का चार्ट किस टाइमिंग में कौन सा स्टेशन से बनेगा सो तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो प्लीज़ सबसे पहले एक वीडियो को लाइक कर दीजिए यार और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है फिर कंफ्यूजन से तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं करें और इंटरेस्टिंग बट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम